हाय फ्रेंड्स, योर फ्रेंड परम। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं डर के बारे में, फियर के बारे में। दोस्तों, फियर एक नेगेटिव इमोशन है जिसके अंदर हमें अप्रिय साथ हर वक्त कुछ अप्रिय घटना घटने का या कुछ खोने का एहसास बना रहता है। दोस्तों, यदि जिंदगी डर के साए में चलती है तो कहीं ना कहीं संघर्ष बढ़ जाता है, सफलता असफलता में बदलने लगती है, सुख दुख में बदलने लगता है और जीवन की कठिनाइयाँ हर वक्त बढ़ती हुई मालूम पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इमोशन यदि कोई भी हमारे अंदर है तो वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी के फ्लो को रोकता है, जिससे हमारा संघर्ष जीवन का बढ़ता है। हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर पाते साथियों, यदि किसी भी नेगेटिव इमोशन को अपने अंदर प्रोसेस करते हैं। आज इसे समझते हैं और किस तरह से इसको गिराया जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। साथियों, हमारे जीवन में दो तरह की घटनाएं घटती हैं, एक तो प्रिय घटनाएं, एक अप्रिय घटनाएं। अप्रिय घटनाएं वो तब हमारे जीवन में घटती हैं तो वो हमें भी दिखती हैं और दूसरों को भी दिखती हैं, जो इस बाह्य जगत में घटती हैं। एक वो घटनाएं लगातार साथियों हमारे माइंड के अंदर घटती रहती हैं, जो केवल वो हमें ही दिखती हैं, वो बाहरी जगत में किसी को नहीं दिखती, क्योंकि वो हमारे अंदर की दुनिया में ही घटती रहती हैं। साथियों, तब भी कोई घटना बाहर के जगत में घटती है, मान के चलते हैं, फॉर एग्जांपल गाड़ी का एक्सीडेंट ही हुआ तो एक्सीडेंट होने का सॉल्यूशन है, गाड़ी को वर्कशॉप में ले जाकर इंश्योरेंस के माध्यम से उसको ठीक कराया जा सकता है। ये घटना सॉल्यूशन के साथ आई है और इसके साथ में सीख भी छोड़ती है कि आगे से गाड़ी को और केयरफुली ड्राइव करें। किसी को हार्ट अटैक हुआ, सॉल्यूशन है, हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। घटना सॉल्यूशन के साथ आई है और सीख भी दोस्तों छोड़ करके जाती है कि आगे से और ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस बनकर के रहा जा सकता है। किसी का जॉब छूटता है तो इस जॉब का एक्सपीरियंस आने वाले जॉब को बेहतर जॉब दिलाएगा, क्योंकि इसका अनुभव आगे काम आएगा। घटना घटी हमारे साथ में, भले ही हम इसको अप्रिय नाम दें, लेकिन इसका अनुभव आगे हमारा और बेहतर फ्यूचर बनाने में हेल्प करेगा। इसका मतलब घटनाएं जो घटती हैं हमारे साथ में, वो सॉल्यूशन के साथ में घटती हैं और कोई सीख छोड़ करके जाती हैं। किसी से रिलेशनशिप में धोखा मिला तो बताता है कि आने वाले टाइम में रिलेशनशिप में धोखे कम मिलेंगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप से इतना कुछ सीख लिया कि आने वाले टाइम में आने वाले रिलेशनशिप्स हमेशा इससे बेहतर होंगी। इसका मतलब ज़िंदगी में तब कोई भी घटना अप्रिय, जिसे हम नाम देते हैं साथियों, घटती है तो हमें कुछ सिखा कर जाती है। और हमेशा हमेशा आप अपने जीवन की देखें या किसी और के जीवन की देखें, सॉल्यूशन के साथ आती है। लेकिन कुछ घटनाएं दोस्तों हमारे दिमाग में हर वक्त घटती रहती हैं, हर वक्त घटती रहती हैं। अंदर के जगत में जो घटनाएं घटती रहती हैं, उनका सॉल्यूशन अपने आप में बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। वो घटनाएं अपने आप में अंदर में घटती हैं लेकिन बाहर के जगत में नहीं घटती, इसलिए उनके ऊपर कोई काम नहीं किया जा सकता। वो कुछ इस तरह से घटती हैं, मान के चलते हो किसी को हार्ट अटैक हुआ या कैंसर हुआ, उसका तो इलाज किया जा सकता है, डॉक्टर को दिखाया जा सकता है, मगर उसके डर की वजह से अपने अंदर हार्ट अटैक या कैंसर के डर को लगातार कैरी करते रहें तो ये डर, ये फियर लगातार अपने आप को अंदर से खोखला और परेशान करता रहेगा। इसका डॉक्टर्स के पास भी कोई इलाज नहीं होगा साथियों, क्योंकि डॉक्टर्स के रिपोर्ट्स में सब कुछ ठीक होगा, इसलिए डॉक्टर्स भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये फियर लगातार अपने अंदर में चलता रहेगा। किसी दूसरे को लॉस हुआ लेकिन उसके लॉस की वजह से अपने माइंड में लॉस का फियर लगातार चलने लगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में बाहर के जगत में लॉस हुआ है, उसके लॉस का सॉल्यूशन के लिए अनेक बातें की जा सकती हैं, लेकिन जिसे केवल लॉस का फियर है, उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसी को किसी ने धोखा दिया लेकिन आपको अपनों से धोखा खाने का डर यदि लगातार सताने लगे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका अपना क्रिएट किया हुआ डर है, ये आपका अपने अंदर के दिमाग का डर है, आपके अपनी अंदर की दुनिया का डर है दोस्तों। इसी तरह से जो फियर हमारे अपने अंदर में चलते हैं, आप सीधा समझे तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि ज़िंदगी लगातार हमारी दोस्तों उन दुर्घटनाओं से घटती चली जाती है जो जीवन में रियलिटी में अभी कभी घटी नहीं है, और आगे भी जो फियर या दुर्घटनाएं लगातार आपके माइंड में घटती हैं उनके हार्डली 1% चांस होंगे जो इस जीवन में घटेंगे, वरना 99% तो नहीं तो पास्ट में घटी हैं दोस्तों और ना ही आने वाले टाइम में घटेंगी। लेकिन ये दुर्घटनाएं यदि माइंड के अंदर लगातार घटती हैं तो लगातार फियर क्रिएट करती हैं। फियर नेगेटिव इमोशन है और नेगेटिव इमोशन से यदि हम अपनी ज़िंदगी को जिएंगे तो पॉजिटिविटी को ब्लॉक करते हैं, डिविनिटी को ब्लॉक करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि इस नेगेटिव फियर को ड्रॉप करें, तभी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
ऐसा हमारे अंदर इसलिए चलता है क्योंकि लगातार हमारा माइंड इमेजिनरी फियर क्रिएट करता रहता है और हम उसे सपोर्ट करते रहते हैं। हम उसको रियलिटी में समझ करके अपने आप को डराते रहते हैं, डरते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में कहा है कि फियर केवल इमेजिनरी है दोस्तों, ये रियल जगत में नहीं घटता, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से आज अपने माइंड में आप किसी भी घटना, व्यक्ति या बात के बारे में फियर क्रिएट किए हुए हैं, रियलिटी में कब घटेगा, कैसे घटेगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फियर केवल और केवल इमेजिनरी है, आपके माइंड के अंदर है, रियलिटी में इससे कोई लेना देना नहीं है। रियलिटी में तब घटनाएं घटती हैं, चीज़ें घटती हैं, बात होती हैं, तो वो आपके माइंड के फियर से कहीं एकदम अलग होती हैं। ये आपका भी अब से पहले अपने जीवन का अनुभव होगा और बाकी लोगों से आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लगातार इस तरह की गलतियां करते चले जाते हैं। इसी से हमें उभरना है, इसी से दोस्तों हमें बचना होगा, और यदि नहीं बचेंगे तो इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, थोड़ा हम उनको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। नंबर एक तो हम समझ चुके हैं कि यदि हम लगातार फियर के इमोशन से रहेंगे तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ब्लॉक करते हैं, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं होगी, हमारे अंदर डिविनिटी नहीं आएगी, डिवाइन एनर्जी नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो हमारे जीवन में दोस्तों संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि उसके बिना जीवन में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है, या कुछ विशेष रिजल्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं तो होने वाला नहीं है। दूसरा, यदि आप नेगेटिव फियर के साथ रह रहे हैं, किसी भी बात को लगातार अपने अंदर जनरेट कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव फियर अपने आप क्रिएट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो जिस तरह की एनर्जी के साथ आप रहने लगते हैं, वही एनर्जी बाहर से आउटसाइड वर्ल्ड में उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगती है। और बहुत बार आपने देखा और सुना होगा, लोग कहते हैं और बताते हैं कि मैं तो सोच ही रहा था ऐसा मेरे साथ हो सकता है, और ऐसा हो जाता है। साथियों, सिंपल नियम है, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। जैसा सोचते हैं वैसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करने लगते हैं। लगातार यदि आप डीपर लेवल पर उसी तरह की एनर्जी को साथियों प्रोसेस कर रहे हैं, तो प्लीज़ बी अलर्ट, स्टॉप इट राइट नाउ, क्योंकि आप उसी तरह की दुनिया को बाहर की जगत में, बाहर की दुनिया में अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसी तरह की एनर्जी, उसी तरह के लोग, उसी तरह की सिचुएशंस और परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में बनती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप वही प्रोसेस करते हैं, जो आप अपने अंदर में प्रोसेस करते हैं उसी को अट्रैक्ट करते हैं। और फिर हम बोलते हैं मुझको तो लग ही रहा था, और ऐसा होकर ही रहा, ऐसा हो ही जाता है। क्यों? ये नियम है, अपनी सुरक्षा अपनी जिम्मेदारी है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं दोस्तों, तो इमेजिनरी फियर को इंस्टेंटली आपको ड्रॉप करना होगा। अभी तक के अनेक एग्जाम्पल में, अनेक घटनाओं में हमने सीखा कि हर समस्या अपने सॉल्यूशन के साथ आती है, समाधान के साथ में आती है। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं रही होगी आपकी लाइफ में या किसी दूसरे की लाइफ में जिसका समाधान ना रहा हो। और सिर्फ एटीट्यूड यदि हम पॉजिटिव रखते हैं दोस्तों, तो हर समस्या एक सीख छोड़ कर जाती है, जिससे आने वाला समय हमारा बेहतर बनता है। लेकिन यदि हम नेगेटिव इमोशंस से जीवन जिएंगे, तो यहाँ पर हम खुद को ही अपने आप को बर्बाद करने की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इस दुनिया में लोग हैं, सभी के फियर अलग अलग हो सकते हैं, सभी के इमेजिनरी फियर हैं, किसी भी तरह के, किसी भी लेवल तक हो सकते हैं, उसका कोई विशेष अलग अलग फियर के साथ में अलग अलग सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन केवल इतना है कि फियर इमेजिनरी है, आप समझते हैं, माइंड का क्रिएट किया हुआ है। अब आप समझ चुके हैं तो सिर्फ और सिर्फ जैसे ये फियर आपके अंदर क्रिएट होता है दोस्तों, जस्ट ड्रॉप इट राइट देन एंड देयर, उसी वक्त आप इसे ड्रॉप करें, बोले अपने आप को ये फियर इमेजिनरी है, काल्पनिक है, हकीकत से इसे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसे अभी ड्रॉप करता हूँ, अभी इसी पल गिरा देता हूँ, इस फियर से मेरी कोई रियलिटी से मतलब नहीं है। और यदि तब ये रियलिटी में आएगा, तो तब इसका सॉल्यूशन भी इसके साथ में होगा, और इसके साथ सीख भी होगी, तब इस पर काम करेंगे। और रियलिटी में कब आएगा, कैसा आएगा, आएगा नहीं आएगा, इसकी कोई कन्फर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन आप उस इमेजिनरी फियर को उसी वक्त गिराएं। आपके अपने अनुभव हैं, लोगों के अपने अनुभव हैं, माइंड के अंदर जो फियर क्रिएट करते हैं उसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, और रियल लाइफ अलग है। लेकिन गहराई में यदि आप इसे दोस्तों प्रोसेस करेंगे, तो आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। एडवाइजेबल है कि एज अर्ली एज पॉसिबल, तब भी किसी भी तरह का फियर किसी व्यक्ति के प्रति, सिचुएशन के प्रति, या किसी और माहौल के प्रति, किसी के भी प्रति आपके अंदर चलता हो, अपने लाइफ के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, फ्यूचर के लिए, कोई भी है, उसे इंस्टेंटली ड्रॉप करें, वरना आप उसे इनडायरेक्टली अनजाने में अट्रैक्ट किए जा रहे हैं। जैसे ही आप ड्रॉप करते हैं वो कैंसिल होता है। ड्रॉप करना सॉल्यूशन है, कैरी करना प्रॉब्लम है, कैरी करना दुख लाएगा,
ड्रॉप करना सुख लाएगा। कि जैसे ही आप ड्रॉप करते हैं, उस फियर को हटाते हैं दोस्तों, आप अंदर से खाली हो जाते हैं। और जैसे ही आप खाली हो जाते हैं तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, डिविनिटी को अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे ही आप पॉजिटिविटी या डिविनिटी से भरते हैं, कि जैसे हम नेगेटिव इमोशंस को हटाते चले जाएंगे साथियों अपने ज़िंदगी से, हम पॉजिटिविटी या डिविनिटी से भरते चले जाएंगे, फिर आपकी लाइफ में सक्सेस, वेल्थ, हेल्थ, गुड लाइफ, आपका एनवायरनमेंट अपने आप में पहले से बेहतर होता चला जाएगा। आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। सिर्फ ज़रूरत है अपने आप को पॉजिटिव इमोशन से भर लेने की। और पॉजिटिव इमोशन से भर लेने के लिए सिर्फ जो नेगेटिव इमोशंस, जो चोर हमारे अंदर आकर के बैठ जाते हैं, इनको भगाने की या गिराने की, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? हम ही को मालूम है हमारे अंदर कौन सा इमोशन ज़्यादा चलता है। यदि नेगेटिव है तो हम इंस्टेंटली उसे ड्रॉप करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपका अपना अनुभव या इस वीडियो से सीखने के बाद में आप अपना कोई भी फियर का इमोशन यदि आपके अंदर चलता है तो इंस्टेंटली उसे गिराएं। रियलिटी से वो बहुत दूर है। रियलिटी में वो नहीं घटने वाला जो आप लगातार फियर क्रिएट करते हैं। हकीकत कुछ और ही होगी। इसे कैरी ना करें, ड्रॉप करें, पॉजिटिविटी से भरें, डिविनिटी से भरें, अपना सुखद और सफल जीवन आगे जिएं। दोस्तों यदि आप समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात ऑन टाइम हो सके। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई विश यू अ हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड ब्लिसफुल लाइफ। थैंक यू वेरी मच।